आईआईटीएन गेट एकेडमी की फ्री गेट कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज के अंदर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ महत्वपूर्ण और मुश्किल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे लेक्चर्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा कोई भी लेक्चर फ्री नहीं है। हमारी एक छोटी सी फीस है, वो ये कि अगर आपको लगे कि हाँ हमारे लेक्चर्स ने आपकी मदद की है, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि आपको हमारे लेक्चर्स को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर शेयर करना है बाकी स्टूडेंट्स के साथ। आपको मेरी मदद करनी है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचने में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करने में। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, दैट इज़ व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ये बेसिकली एक सेकेंड इन्वर्जन है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन की। इसे हमने अलग से डिस्कस इसलिए किया है क्योंकि पहली बात ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, और तीसरा मैंने जनरली देखा है कि स्टूडेंट्स को व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इसकी मोशन को विजुअलाइज करने में काफ़ी दिक्कत आती है। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि इस व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए। पर राजी, इससे पहले कि मैं आपको पढ़ाऊं, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो आपको अभी सॉल्व करनी है। क्या रजी, हमारे पास फिक्स लिंक है, ठीक है, ये हमारे पास एक फिक्स लिंक है और इससे मैंने जोड़ रखी है एक क्रैंक क्रैंक, ठीक है, ये क्रैंक है, इसका नाम मैंने रखा है वन, ये है मेरा लिंक वन एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड लिंक वन एक्सटेंडेड, कुछ भी रख सकते हैं नाम, किसी ने कहा है व्हाट्स इन द नेम, तो इस क्रैंक का मैंने नाम रखा है वन एक्सटेंडेड। और इसके साथ मैंने जोड़ा है ये, आप इसे चाहे कनेक्टिंग रॉड की तरह देख सकते हैं, चाहे कपलर इसे कह सकते हैं। दिस इज माई लिंक नंबर 5, ये है मेरा वन एक्सटेंडेड, दिस इज माई लिंक नंबर 5 और ये है मेरा लिंक नंबर 6, मतलब आप इसे किसी पिस्टन की तरह देख सकते हैं, किसी स्लाइडर की तरह देख सकते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि ये है कटर, कटर, ठीक है। तो हमें मालूम है कि जैसे जैसे से घूमेगी क्रैंक, जैसे से क्रैंक घूमेगी, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन की मोशन है ये, तो हर कोई जानता है कि जैसे से ये क्रैंक घूमेगी तो जो हमारा पिस्टन है, स्लाइडर है, जो कटर है, वो आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव करेगा, ठीक है। मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, क्या राजी आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि ये हमारा जो कटर है, पिस्टन, स्लाइडर है, ये सबसे आगे कब होगा और सबसे पीछे कब होगा, ठीक है, ये कटर हमारा सबसे आगे कब होगा और सबसे पीछे कब होगा, ठीक है। तो रजे, अगर आप थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे तो आपको पता चलेगा क्या कि जब वन ई वन एक्सटेंडेड और लिंक नंबर 5, जब ये दोनों लिंक्स एक ही लाइन में होंगे सीधे, मतलब कि ये इन दोनों के बीच का एंगल, व्हेन इट इज 180 डिग्रीज, जब ये 180 डिग्री होगा तब हमारा ये कटर सबसे आगे होगा, सबसे आगे, ठीक है। तो मतलब कि द शेप इज समथिंग लाइक दिस, मतलब मेरा जो ये क्रैंक है ये घूम के यहाँ आ गया, यहाँ तक, दिस इज माई वन एक्सटेंडेड और इसके आगे है मेरा ये कपलर, ठीक है, तो ये इससे आगे होगा एंड दिस इज माई लोकेशन, ये, ठीक है, तो ये मेरा कटर इस वक्त सबसे आगे है। अगला मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या आप बता सकते हो कि हमारा जो कटर है वो सबसे पीछे कब होगा, ये सबसे पीछे कब होगा, तो नाउ यू कैन वेरी इजिली गेस कि जब हमारी क्रैंक और हमारे कपलर इसके बीच का एंगल जब 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री, ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जो हमारा कटर है वो सबसे पीछे होगा, सबसे पीछे, ठीक है। तो मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस कि ये मेरा वन एक्सटेंडेड, ये मेरा यहां पर है, दिस इज माई वन एक्सटेंडेड, ठीक है, वन एक्सटेंडेड ये, और इससे ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है मेरा लिंक नंबर 5, तो मेरे कटर की ये पोजीशन है, तो ये है मेरा कटर सबसे आगे, ये है मेरा कटर सबसे पीछे, और जैसे से ये क्रैंक मतलब घूमती रहेगी वैसे वैसे जो मेरा कटर है वो टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी सिंपल सी मोशन है इसको विजुअलाइज करने में। आई नो किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो नहीं सकती, इट इज सिंपल, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का जो जैसे फर्स्ट इन्वर्जन है हमारा, ये मोशन हमें इंजन में मिलता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में मिलता है, तो ये आप बड़े आराम से विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं रजी, क्या कि सपोज कीजिए ये है हमारा फिक्स लिंक,
ये हमारा फिक्स लिंक, ठीक है। इसके साथ मैंने एक क्रैंक जोड़ी है, इसके साथ मैंने एक क्रैंक जोड़ी है, एक लिंक है, दिस इज माई लिंक नंबर टू एंड दिस इज माई लिंक नंबर थ्री, ठीक है। और इसके ऊपर जुड़ा हुआ एक स्लाइडर, और ये दिस इज माई लिंक नंबर वन, ये है मेरा लिंक नंबर वन, ठीक है। ये है आ गया हमारा लिंक नंबर वन, ये लंबा लिंक है ये, ठीक है। तो राजी ये लिंक नंबर टू, ये हमारा फिक्स लिंक है। सेकंड इन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन की, तो सेकंड लिंक हमने फिक्स कर रखा है। और यहां पर लिंक नंबर थ्री, इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ क्रैंक। क्रैंक क्या होता है, एक ऐसा लिंक विच कैन रोटेट वाया एन एंगल ऑफ 360 डिग्रीज, ठीक है। तो अब ये जो हमारी जो क्रैंक है ये पूरी घूम सकती है वाया एन एंगल ऑफ 360 डिग्रीज, ठीक है। मतलब आपको बता रहा हूं कि जो ये क्रैंक है, क्रैंक इसकी जो लंबाई है ये हमारे फिक्स्ड लिंक से ज्यादा है, ठीक है। जो ये क्रैंक है इसकी जो लंबाई है ये हमारे फिक्स्ड, इस फिक्स्ड लिंक से ज्यादा है, ठीक है। तो राजी ये घूमेगा, ठीक है। ये जो लिंक नंबर तीन है ये यहाँ पे पिवटेड है, सो इट विल रोटेट, ये घूमेगा, ठीक है। इस लिंक नंबर तीन के दूसरे सिरे पर एक स्लाइडर है, जो बेसिकली स्लाइडर, दिस इज माई फोर्थ लिंक, ये मेरा चौथा लिंक है, जो कि मेरे इस लिंक से, लिंक नंबर तीन से पिवटेड है, वायर टर्निंग पेयर जुड़ा हुआ है, वायर टर्निंग पेयर, मतलब जैसे मतलब साइकिल का पैडल ही होता है, उस पर आप हाथ मारते हो और वो घूमता है, इन द सिमिलर वे जो ये लिंक नंबर तीन है इसके ऊपर जो स्लाइडर जुड़ा हुआ है, अगर इसके ऊपर मैं हाथ मारूं तो ये स्लाइडर इट कैन रोटेट फ्रीली, ये घूम सकता है बिकॉज ये जुड़ा हुआ है टर्निंग पेयर से। और ये जो स्लाइडर है ये पास कर रहा है लिंक नंबर वन से, लिंक नंबर वन एक तरह के गाइड का काम कर रहा है, गाइड। तो लिंक, ये जो स्लाइडर है ये इस लिंक नंबर वन से पास कर रहा है, ठीक है। तो होगा क्या राजे, व्हाट विल हैपन जब आप लिंक नंबर तीन को घुमाओगे, तो लिंक नंबर तीन जब ये घूमेगा तो इसके साथ ये जो स्लाइडर है ये भी एक सर्कुलर पाथ में, घूमेगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब ये जो स्लाइडर है, ये पास कर रहा है लिंक नंबर एक से, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट जो मेरा लिंक नंबर वन है, ये भी एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है। सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू हैव टू क्रैंक्स, हमें क्या मिलेगी, हमें दो क्रैंक्स मिलेंगी हमें। ये भी एक क्रैंक है, क्रैंक इज समथिंग दैट कैन रोटेट बाय एन एंगल ऑफ 360 डिग्रीज, और ये भी लिंक नंबर वन, इट इज ऑल्सो क्रैंक बिकॉज इट कैन ऑल्सो रोटेट बाय एन एंगल ऑफ 360 डिग्रीज, ठीक है। तो लिंक नंबर एक भी 360 डिग्री से घूमेगा। तो ये अब आपको ये मोशन समझ आ गए, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया लिंक नंबर टू फिक्स्ड है, लिंक नंबर थ्री जब ये 360 से घूमेगा तो जो मेरा लिंक नंबर एक है ये भी पूरे 360 से 360 डिग्री के एंगल से ये भी घूमेगा, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके। सो व्हाट हैपेंस इज, मतलब होता क्या है कि रजे ये जो लिंक नंबर वन है ना, वन, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं, इसको मैं क्या कर देता हूं, एक्सटेंड। नाउ दिस इज माय वन एक्सटेंडेड, ठीक है, लिंक नंबर वन, इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है। अभी एक्सटेंड कर दिया तो जब लिंक नंबर एक घूमेगा तो ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये लिंक भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये भी घूमेगा, ठीक है, ये लिंक भी घूमेगा। और जब ये घूमेगा, अभी भी हमने 2 मिनट पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और आपने मुझे बताया था क्या कि जब ये वन एक्सटेंडेड घूमेगा तो क्या होगा, जो मेरा कटर है वो टू एंड फोर मूव करेगा, ठीक है। सो दिस इज माय वन एक्सटेंडेड, इसको मैंने जोड़ रखा है एक कटर से, ठीक है। तो ये हमारा कटर है, इसका पाथ ही इस पिवट से पास कर रहा है, ठीक है, तो इस पिवट से ये पास कर रहा है लाइक दैट, ये, ठीक है। एंड ये मैंने इसको जोड़ रखा है लिंक नंबर फाइव से, ये दिस। तो ये जो हमारा कटर है ये इट विल मूव टू एंड फ्रो। दिस इज व्हाट इज नोन एज विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है। तो होता क्या है, लिंक नंबर टू फिक्स्ड है, लिंक नंबर थ्री घूम रहा है, आपने इसे मोटर से जोड़ रखा है, ठीक है। तो जब तीन घूमेगा तो ये जो इस तीन के साथ स्लाइडर जुड़ा हुआ है ये भी एक सर्कुलर पाथ में, मूव करेगा, ठीक है। और जब ये स्लाइडर चार सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, एज ए रिजल्ट जो मेरा लिंक नंबर एक है ये भी एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो जब एक घूमेगा तो वन एक्सटेंडेड घूमेगा, तो कटर आगे पीछे मूव करेगा। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है। तो रजी चलो ये तो समझ आ गया, बट पहली बात ये
कि व्हाट इज अ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म. क्विक रिटर्न मैकेनिज्म एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, इसे क्यों बोलते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म. ठीक है, एक्चुअल में राजी क्या चीज है, क्या कि जो कटर होता है, कटर कटर ठीक है, जब वो आगे मूव कर रहा है तो वो कटिंग परफॉर्म कर रहा होता है, और जब वो पीछे आता है इट इज आइडल, वो आइडल होता है, वो कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा. ठीक है, आगे जब मूव कर रहा है तो वो कटिंग परफॉर्म कर रहा है, और जब पीछे आ रहा है देन इट इज आइडल, वो आइडल है, वो कोई काम नहीं कर रहा. ठीक है, तो आप जानते हो कि कटिंग के लिए कुछ फोर्स की जरूरत पड़ती है. ठीक है, फोर्स की जरूरत पड़ती है, और फोर्स इनटू कटर की वेलोसिटी दैट इज अवर पावर रिक्वायर्ड. ठीक है, जो कटिंग फोर्स है इनटू कटर की वेलोसिटी दैट इज अवर पावर रिक्वायर्ड, पावर जो उस मशीनरी को चाहिए. तो रजी अगर अगर हमारा कटर फास्ट चलेगा तो हमारी पावर रिक्वायरमेंट्स होंगी ज्यादा, और अगर कटर स्लो चलेगा तो पावर रिक्वायरमेंट तो कम होगी, पर वापसी जब आएगा अगर धीरे धीरे आ रहा है सो इट विल टेक मोर टाइम, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होगा. तो हम क्या करते हैं, हमने ऐसे मैकेनिज्म्स डेवलप किए हैं विच आर वट आर नोन एज विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, विच आर वट आर नोन एज क्विक रिटर्न मैकेनिज्म. इसमें क्या होता है कि जो कटर है वो कटिंग जब परफॉर्म कर रहा होता है, आगे जा रहा होता है, इट इज स्लो, वो स्लो होता है, पर जब पीछे आ रहा होता है इट इज फास्ट, वो पीछे वापसी जब आता है तो बड़ी फास्ट वापसी आती है, जिससे हमारा टाइम सेव हो जाता है. ठीक है, तो एक्चुअल में इस मैकेनिज्म में ऐसा हो क्या रहा है जिससे जो हमारा कटर है ये आगे तो पूरी स्पीड से जाता है पर जब पीछे आता है तो स्लो आता है. आइए देखते हैं कि यहां पर ऐसा चल क्या रहा है. ठीक है, एक्चुअल में राजे कोशिश करते हैं ये ड्रॉ करने की कि कटर सबसे पीछे कब होगा. मैंने आपसे पहले जो क्वेश्चन पूछा था वो इसलिए पूछा था कि कटर सबसे पीछे कब होगा, सबसे पीछे कब होगा. जरा आप चाहे तो लेक्चर पॉज करके एक बार सोच सकते हैं कि कटर सबसे पीछे कब होगा, जो कटर है वो सबसे पीछे कब होगा. वो आप जानते हैं कि जब ये लिंक 1E, वन एक्सटेंडेड, जब ये इस पॉइंट पे होगा, जब ये इस पॉइंट पर होगा, दिस इज माय 1E. ठीक है, ये दिस इज माय वन एक्सटेंडेड, जब मेरा ये वाला पॉइंट यहां पर है, यहां पर ये, तो मेरा जो कटर है, तो मेरा जो कटर है वो क्या होगा, वो सबसे पीछे होगा. ये बात आप एग्री कर रहे हो. ठीक है, अब ये लिंक यहां पे होगा, जब ये जो लिंक है वन एक्सटेंडेड, जब ये हॉरिजॉन्टल है, तो राजे लिंक वन कहाँ होगा, लिंक वन की सिचुएशन कैसी होगी, एनीवन लिंक वन की सिचुएशन क्या होगी, इस तरह से, दिस इज माय लिंक वन, लिंक वन कुछ इस तरह से होगा, सही है या नहीं. ठीक है, लिंक वन इधर होगा, और जो मेरे ये स्लाइडर है, ये स्लाइडर ये कहाँ होगा, मैं कटर ऐसा करता हूँ, थोड़ा आगे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो. ठीक है, जो ये स्लाइडर है मेरा, ये वाला स्लाइडर, ये स्लाइडर कहाँ होगा, ये स्लाइडर होगा यहां पर इधर, क्योंकि जो स्लाइडर है ना राजी, ये हमेशा सर्कल में ही मूव करेगा. ठीक है, और जो मेरा लिंक नंबर 3 है, लिंक नंबर 3, इसकी लोकेशन क्या होगी, इसकी लोकेशन कुछ इस प्रकार होगी, ये दैट्स माय क्रैंक लिंक नंबर 3. तो ये आ गया मेरा लिंक नंबर 3, सपोज करो डैश लिख देता हूं, लिंक नंबर 3 डैश, एंड दिस इज माय लिंक नंबर 1, 1 डैश. ठीक है, दिस इज माय 1 एक्सटेंडेड. ठीक है, और नाम लिख देता हूं, दिस इज ओ एंड दिस इज ए. ठीक है, एंड दिस इज बी डैश, और यहां पर क्या है हमारा सी डैश, और कटर मेरा सबसे पीछे है डी डैश. ये चीज समझ आया आपको यहां तक. ठीक है, अब मेरा आपसे एक अगला प्रश्न है कि कटर कटर सबसे आगे कब होगा. ठीक है, कटर जो है राजे वो सबसे आगे कब होगा. ठीक है, कटर सबसे आगे कब होगा, जब हमारे ये 1E ये घूम के कहां जाएगा, यहां पर, मतलब माई दिस इज द लोकेशन, दिस इज द लोकेशन ऑफ माई 1E, ये क्या है मेरा 1 एक्सटेंडेड. ठीक है, दिस इज माई 1E, यहां तक समझ आ रहा है. अब 1E अगर यहां पर है तो लिंक नंबर 1 कहां पे है, लिंक नंबर 1 है यहां पे इधर, ये लिंक नंबर 1, ये दिस इज माई लिंक नंबर 1, इसके अपोजिट होगा ना लिंक नंबर 1. ठीक है, और मेरा स्लाइडर, ये वाला स्लाइडर कहां होगा, मेरा स्लाइडर होगा यहां पे लिंक नंबर 4, दिस इज माय 4 डैश. ठीक है, और ये क्रैंक 3 कहां होगी, ये दैट्स माय 3rd क्रैंक, ये सो दैट्स माय 3 डबल डैश, दैट्स माय 4 डबल डैश. ठीक है, एंड दैट्स माय, यहां पर ये क्या है 1 डैश, एंड दिस इज 1 एक्सटेंडेड डबल डैश, सॉरी, एंड दिस इज 1 एक्सटेंडेड डबल डैश, ये लाइक दैट. आपने कुछ गौर किया, मतलब क्या, मतलब जब हमारा और मेरा जो
कटर है, कटर ठीक है, वो सबसे आगे होगा, लाइक दैट। यहां से हमने जोड़ा है ना, इससे ये, यहां से अब हमारा आगे होगा लिंक नंबर 5, ये आगे मेरा लिंक नंबर 5, दिस इज माय 5 डबल डैश, ये, और ये मेरी पोजीशन है D डबल डैश, ठीक है। तो थोड़ा सा गौर कीजिए राजे, क्या चीज, क्या कि कटर सबसे पीछे कब है, सबसे पीछे कब है, जब ये ब्लू वाला, जब हमारा क्या है बेसिकली, जब मेरी क्रैंक यहां पर है इस लोकेशन पे, तब मेरा कटर सबसे पीछे है, ठीक है। और मेरा कटर आगे कब है, आगे जब ये क्रैंक घूम के यहां से यहां तक जाती है, यहां से घूम के यहां तक जाती है, तब मेरा कटर सबसे आगे होगा, ठीक है। और जब यहां से घूम के यहां आएगी, तब मेरा कटर वापसी आएगा, ठीक है। क्या आपने कुछ गौर किया कि क्रैंक यहां से घूम के यहां तक आएगी, इतने टाइम में कटर आगे जाता है, और यहां से यहां तक आती है, तो इतने टाइम में कटर पीछे आता है, ठीक है। सपोज कीजिए, सपोज कीजिए जो मेरी क्रैंक है, क्रैंक वो 20 RPM से घूम रही है, ये नंबर मैंने बड़ा ही सोच समझ के चूज किया है, 20 RPM, यानी कि 60 सेकेंड्स के अंदर 20 रोटेशंस हो रही है, यानी कि 3 सेकेंड में एक रोटेशन होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यानी कि 3 सेकेंड के अंदर एक रोटेशन होती है, यानी कि 3 सेकेंड के अंदर 360 डिग्री से वो घूम रहा है, 360 डिग्री से, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर 120 डिग्री से घूमेगा, और 2 सेकेंड के अंदर 240 डिग्री से घूमेगा। ये चीज समझ आ रही है आपको? सपोज कीजिए कि ये दिस एंगल दिस इज माई 240 डिग्रीज, एंड दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है, दैट्स माई 120 डिग्री, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, आपको जनरली एग्जाम्स के अंदर यही वाला एग्जाम्पल टकरेगा, अगर आप मतलब गेट में तो खैर अब नहीं आता, पर बाकी की जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है उसमें ज्यादातर यही वाला केस आता है। सपोज कीजिए कि दिस एंगल इज 240 डिग्री, ये जो बड़े वाला एंगल है ये है 240 डिग्री, और ये छोटे वाला एंगल है ये है 120 डिग्री। तो जब मेरी क्रैंक यहां से यहां तक जाएगी, 240 डिग्री कवर करेगी, उतनी देर में मेरा कटर आगे जाएगा, कटिंग परफॉर्म करेगा, और जब मेरी क्रैंक यहां से यहां तक आएगी, 120 डिग्री कवर करेगी, उतनी देर में मेरा कटर पीछे आएगा, ठीक है। यानी कि क्रैंक को यहां से यहां तक, कटर को आगे जाने में 2 सेकंड का टाइम लगेगा, और कटर को यहां से यहां तक, मतलब क्रैंक को यहां से यहां तक मूव करने में, और कटर को पीछे आने में 1 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज, ये जो रेशियो है टाइम की, दिस इज व्हाट इज नोन एज क्विक रिटर्न रेशियो, QRR, ठीक है। दोबारा बताता हूं क्या QRR, ये है क्विक रिटर्न रेशियो, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, क्या चीज है, कटिंग टाइम डिवाइडेड बाय आइडल आइडल टाइम, ठीक है, कटिंग टाइम डिवाइडेड बाय आइडल टाइम। अब कटिंग टाइम किसके प्रोपोर्शनल रहती है, जो क्रैंक है ना, क्रैंक वो कांस्टेंट आरपीएम से घूमती है, तो कटिंग टाइम किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस एंगल के प्रोपोर्शनल। सपोज से लेट इट दिस एंगल बी अल्फा एंड दिस एंगल बी बीटा, सपोज कीजिए बड़े वाला एंगल है अल्फा और छोटे वाला एंगल है बीटा, ठीक है। तो ये क्या हो, आर आर, ये क्या हो जाएगा, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा। इस एग्जाम्पल में जो मैंने आपको भी पढ़ाया है, इस एग्जाम्पल के अंदर इसकी वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर केस कितनी आ रही है, 240 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू 2। याद रखिएगा राजे, क्विक रिटर्न रेशियो इसकी वैल्यू नॉर्मली 1 से ज्यादा ही होती है, 1 से ज्यादा, मतलब हमने इसे इस तरह से डिफाइन किया है कि इसकी वैल्यू कभी, मतलब आप इसमें 0.5 नहीं लिखोगे, क्या होगी, 2, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ये वर्कशॉप्स वगैरह में मेटल कटिंग परफॉर्म करने के काफी काम आता है, ठीक है। तो आई होप, मतलब आपको ये अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और अब आप इससे रिलेटेड, मतलब अगर आपको पूरी मोशन ये समझ आ गई है, ठीक है, तो अब आप इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल बड़ी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे मतलब आपके कमेंट्स के थ्रू ही पता चलता है कि मैं कितने स्टूडेंट्स की मदद कर पाया हूँ। अगर आज आपको इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, या अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई मुश्किल टॉपिक हो जो आपको समझ नहीं आ रहा है, या आप कुछ भी, मतलब हमें इन्फॉर्म करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ भी आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट्स में मेंशन करिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जल्द से जल्द रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूँगा, और आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो जल्दी मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।